लोकतंत्र हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। लोकतंत्र के पीछे है चुनाव, वो चुनाव जो आपकी और हमारी ताकत है। ये इलेक्शंस हर 5 साल में भारत की तस्वीर बदल देते हैं और आपके वोट से बदल जाती है इस देश की सियासत। सियासत और विरासत दोनों का पुराना और बहुत गहरा नाता रहा है। आजादी के इन 67 सालों में देश ने सियासत के कई रंग देखे, रूप देखे और देश ने देखा एक गहरे वंश का राज। वंश, वो वंश जिसकी रगों में सियासत दौड़ती है। वंश में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे परिवारों की कहानियां जो पीढ़ियों से सियासत करते आ रहे हैं। पांच पीढ़ी आजादी से लेकर अब तक, इन 5 पीढ़ियों से देश को मिले 1-2 नहीं 3-3 प्रधानमंत्री। आज हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े वंश की कहानी बताने आया हूं मैं, ओमपुरी। नमस्कार। शुरुआत सबसे बड़े राजनीतिक खानदान से, नेहरू गांधी परिवार। नेहरू ये नाम कहां से आया? बताया जाता है जवाहरलाल के वंशज कश्मीर से आकर दिल्ली में एक नहर के किनारे बस गए थे। तब से उनका कॉल सरनेम नेहरू में बदल गया, नहर से नेहरू। राजनीति में वंश की परंपरा शुरू हुई जवाहरलाल से। पार्टी के अंदर झगड़ों और भ्रष्टाचार से मैं बहुत दुखी हूं, इसीलिए मैंने इस्तीफे की भी इच्छा जताई थी, लेकिन आप लोगों के दबाव की वजह से मैं अभी तक काम कर रहा हूं। हाँ, अब ऐसा लगता है कि पार्टी के अध्यक्ष यूएन डेबर के बाद हम अपना नया अध्यक्ष चुन लें। लेकिन नेहरू जी, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम तय होना भी जरूरी है। मैं इंदिरा के नाम का प्रस्ताव रखता हूँ। इंदिरा? क्या वो पार्टी का इतना बड़ा बोझ उठा सकेगी? क्यों नहीं, वो मुझसे और आपसे बेहतर काम करके दिखा सकती है। गोविंद पंथ वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा नहीं, इतनी छोटी सी लड़की आ गई, कमजोर है, इतना सफर करना पड़ेगा। पंडित जी भटके, कौन कहता है वो इतनी कमजोर है। नेहरू खुलकर इंदिरा का समर्थन नहीं करना चाहते थे और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद नेहरू ही थे। पिछले 4 साल में वो 4 बार प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का मन बना चुके थे। कांग्रेस उनको ऐसा करने से हर बार रोक लेती और अब नेहरू एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उनकी जगह ले सके। देश की राजनीति में इंदिरा की क्या जगह हो, इसका फैसला नेहरू अपने तरीके से करते। तभी बेटी को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में शामिल करने के लिए उन्होंने सीधे कभी कोई प्रस्ताव नहीं रखा। नेहरू जी बीमार थे, शास्त्री से मिलकर आए तो कुलदीप नैयर ने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तो उनके मुंह से शब्द निकला कि उनके तो मस्तिष्क में उनकी बेटी है। इंदिरा गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल होने का न्योता मिला। शास्त्री जी जैसे बड़े नेता और पार्टी अध्यक्ष ढेबर इंदिरा को इसके लिए राजी करने क्यों गए, ये सोचने वाली बात थी। बिना नेहरू के आदेश के ये हो नहीं सकता था। अपनी एक दोस्त को चिट्ठी लिखकर कहा था, जब मुझसे बड़े बड़े नेता और VIP सलाह लेने आते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। क्या तुम सोच सकती हो कि मैं इतनी बड़ी राजनीतिज्ञ बन गई हूं? आपकी इंदु। एक साल बाद इंदिरा की कांग्रेस में हैसियत और बढ़ी, बढ़ रही थी या बढ़ाई जा रही थी।
फिर नेहरू ने कांग्रेस के संविधान में एक बड़ा बदलाव कर दिया। ये क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी भी इंदिरा से जुड़ी थी। 1958 में पंडित नेहरू की जगह इंदिरा को पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिली। नेहरू कांग्रेस के किंग मेकर थे। इंदिरा पार्टी में एक के बाद एक दूसरी सीढ़ी आसानी से चढ़ती जा रही थी। हालांकि पार्टी के लिए वो ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाती। पति फिरोज काफी बीमार जो थे। इंदिरा ने अपने पिता को एक दिन चिट्ठी लिखी। प्रिय पापा, मेरा बचपन तो संघर्ष में निकल गया। उसके बाद का समय भी मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक चिड़िया हूँ जिसे किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया है। मैं अब अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर काम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आपकी इंदु। जिन खुशियों के लिए इंदिरा ने अध्यक्ष पद छोड़ा वो उन्हें नहीं मिली। 7 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को दिल का दौरा पड़ा। अगले दिन उनका निधन हो गया। 42 साल की उम्र में इंदिरा 2 बच्चों के साथ अकेली रह गई। 3 मूर्ति में अकेलेपन से लड़ने के लिए इंदिरा अब अपने पिता नेहरू के काम और पार्टी को ज्यादा वक्त देती। यूएन ढेवर का कार्यकाल लंबा इसलिए खींचा जा रहा था कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस कम से कम अपना अध्यक्ष स्वीकार कर ले। उन्हीं के कार्यकाल में इंदिरा गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डाला गया। 1961 गोविंद वल्लभ पंत का निधन हो गया। पार्टी में एक नई रस्साकशी शुरू हुई। अब मुरारजी देसाई खुद को नेहरू का उत्तराधिकारी मानने लगे थे और उनकी नजर कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता की कुर्सी पर थी। नेहरू को मालूम था कि ये मामला कांग्रेस संसदीय दल की लड़ाई का कम बल्कि उनके उत्तराधिकारी साबित होने का ज्यादा है। नेहरू ने एक तीर से 2 शिकार किए। पहला, कांग्रेस का संविधान बदला, किसी भी मंत्री के लिए पार्टी में पद की गुंजाइश खत्म कर दी। दूसरा, पार्टी में इंदिरा के लिए आसानी से कोई चुनौती न बन सके, ये नेहरू ने तय कर दिया। 1962 के चुनाव आए तो गैर कांग्रेसवाद की अलख जगाने वाले और कभी नेहरू के दोस्त रहे राम मनोहर लोहिया ने उन पर वंशवाद को लेकर खूब हमले किए। नेहरू के साए में इंदिरा का कद पार्टी में लगातार बढ़ता जा रहा था। इंदिरा के हर बड़े राजनीतिक फैसले के राजदार और सलाहकार दोनों थे नेहरू। लेकिन इंदिरा की असली अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली थी 1964 से। 27 मई 1964 दिल का दौरा पड़ने से पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। इंदिरा टूट गई। आजादी के बाद कांग्रेस दोराहे पर थी। नेहरू के बाद देश को कौन संभालेगा? लाल बहादुर शास्त्री सबसे पहले पहुंचे 3 मूर्ति। इंदिरा, तुम पूरे देश को संभाल सकती हो। इसके सिवा मेरे पास चारा भी क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने इंदिरा से राय ली, लेकिन वो कोई भी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुई। फिर लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री चुना गया। शास्त्री इंदिरा को अपनी कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर नेहरू गांधी वंश का हवाला देकर लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा को सूचना प्रसारण मंत्री बनने के लिए मना लिया। पहले जवाहरलाल नेहरू का निधन, फिर ठीक 21 महीने बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रूस में रहस्यमयी मौत। पार्टी ने फिर से अगले प्रधानमंत्री के लिए नेहरू गांधी खानदान की ओर देखा। इस बार इंदिरा तैयार थी तो उन्हें चुनौती देने के लिए खड़े हो गए उनके धुर विरोधी मुरारजी लाल देसाई। दावेदार कई थे, लेकिन इंदिरा ने घर बैठे बैठे एक फोन से पीएम पद के 5 दावेदारों को चित्त कर दिया। हेलो,
द्वारका जी नमस्कार, मैं इंदिरा बोल रही हूँ। हाँ इंदिरा जी, माफ कीजिए आपको इतनी सुबह सवेरे तकलीफ दी। जैसा कि आप जानते हैं, मुरारजी देसाई नहीं चाहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। मैंने आपके समर्थन के लिए 8 राज्य के मुख्यमंत्रियों को तैयार कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुरारजी देसाई से ज्यादा लोग आपको पसंद करते हैं। मुरारजी ने वोटिंग की मांग की तो 14 में से 12 मुख्यमंत्रियों ने इंदिरा का समर्थन कर दिया। इस तरह इंदिरा के पीएम पद की दावेदारी पर मोहर लग गई। अगले 11 साल तक इंदिरा का भारत पर राज रहा। आने वाले साल इंदिरा के लिए कई मुसीबतें एक साथ लेकर आई। 1966 और 1967 देश में भयंकर सूखा पड़ा था। संसद में इंदिरा अपने विरोधियों को जवाब नहीं दे पा रही थी। पार्लियामेंट के लोग चाहते थे कि कुछ टिप्पणी करें, वो टिप्पणी नहीं करती थी, तो डॉक्टर लोहिया ने उनको इपकार से छेड़ते हुए कहा था कि गुड़ी गुड़िया है। अपनी छवि सुधारने के लिए इंदिरा ने समाजवाद का सहारा लिया। पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसी बहाने वित्त मंत्री और अपने कट्टर विरोधी मुरारजी देसाई की कुर्सी छीन ली। फिर राजा महाराजाओं को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पैसे प्रीवी पर्स को बंद कर दिया। सूखे और महंगाई से परेशान जनता को इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नया नारा दिया। इंदिरा ने विरोधियों को तो मात दे दी, लेकिन पार्टी में उनके विरोधी एक नई चाल की तैयारी में थे। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव होने थे। कांग्रेस में इंदिरा के विरोधी बड़े कांग्रेसी नेताओं का एक गुट था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। उस सिंडिकेट ने स्पीकर नीलम संजीवा रेड्डी का नाम आगे कर दिया। इंदिरा इससे खुश नहीं थी, क्योंकि इंदिरा को डर था कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनते ही मुरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इंदिरा ने वीवी गिरी को निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतार दिया। वीवी गिरी को जिता भी दिया। इंदिरा जीत गई, वादे से हट गए, और इसलिए उन्होंने संजीव रेड्डी को वोट दिया। तो जाहिर है कि मिसेस गांधी को इस बात का बुरा लगा। 1971 गरीबी हटाओ के नारे का जादू चल गया और मार्च 1971 में हुए चुनाव में इंदिरा ने जबरदस्त जीत हासिल की। उसके ठीक 9 महीने बाद बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। इंदिरा की छवि एक मजबूत प्रधानमंत्री की बन गई। ये देश के लिए ही नहीं बल्कि इंदिरा के लिए भी एक बड़ी जीत थी। इंदिरा के धुर विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उन्हें दुर्गा जैसी शक्तिशाली बता दिया था। देश की समस्याओं और कांग्रेस में गुटबाजी से घिरी इंदिरा के घर में खुशियां लौटी। इंदिरा के घर में बहू ने कदम रखा। बड़े बेटे राजीव की सोनिया से शादी हुई। छोटा बेटा संजय विदेश से घर लौट चुका था। इंदिरा गांधी के घर एक सफदरजंग रोड पर पूरा परिवार एक छत के नीचे था। 1968 में इंदिरा कई बार अपने दोस्तों और करीबियों से राजीव के बारे में सलाह लेती। क्या राजीव उनकी राजनैतिक जिम्मेदारी को उठा पाएंगे? राजीव न तो पार्टी के काम में दिलचस्पी दिखाते, न ही मां की सियासत में उनको कोई सलाह देते। सोनिया भी शुरू से अपने पति के राजनीति में आने के खिलाफ थीं। हिंदुस्तानी बहू की तरह सोनिया एक सफदरजंग रोड की घरेलू जिम्मेदारी में ही खुश थीं। घर में खाना बनाने से लेकर इंदिरा को कौन सी साड़ी पहननी है, ये सब सोनिया तय करती। घर के काम से जब वक्त मिलता तो इंडिया गेट पर राजीव के साथ आइसक्रीम खाने निकल जाती। इंदिरा के छोटे बेटे 23 साल के संजय गांधी को भी जहाज उड़ाने और तेज कारों का शौक था। संजय अपने पिता फिरोज की तरह राजनीति में दिलचस्पी लेते थे। संजय की वजह से पहली बार इंदिरा मुश्किल में पड़ी 1970 में।
पता चला कि संजय गांधी को मारुति कार बनाने का लाइसेंस दे दिया गया। संसद में मारुति प्रोजेक्ट पर जमकर हंगामा हुआ। नहीं, मारुति बनाने तो नेचुरली इंदिरा गांधी ने बेटे के लिए कुछ काम देना था, पैसे के आधार पर कुछ भी किया जा सकता। वंश फलता फूलता रहा। 1970 में गांधी परिवार के वंश में अगली पीढ़ी ने जन्म लिया। इंदिरा दादी बनी। राजीव और सोनिया के घर में राहुल ने जन्म लिया। 2 साल बाद प्रियंका का जन्म हुआ। घर में इंदिरा अपने पोते पोती के साथ खेलती, बाहर महंगाई और भ्रष्टाचार की चुनौती से लड़ती। 1973 में सरकार के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर आ गया। बिहार का जो आंदोलन था वो शुरू में तो बिहार सरकार के खिलाफ था, पर बाद में जेपी ने उस आंदोलन को सारे देश में संपूर्ण क्रांति के आंदोलन बदलने का प्रयास किया। विपक्ष का आरोप था कि प्रधानमंत्री का ऑफिस एक सफदरजंग रोड के बंगले में संजय के कमरे से चलता है। इस बीच 1974 में इंदिरा के घर फिर से शहनाई बजी। संजय और मेनका की शादी हुई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला गांधी परिवार के लिए बुरी खबर लेकर आया। हाई कोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द घोषित कर दिया। इंदिरा की कुर्सी खतरे में पड़ गई। पूरा एक मत यह था पार्टी में कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दे दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जो उनके खिलाफ गया है। इंदिरा को लगा कि वो घिर गई हैं। इंदिरा ने पूरे परिवार में से सिर्फ संजय को बुलाकर पूछा कि अब वो क्या करें। संजय ने एक रास्ता सुझाया, इंदिरा के वकील को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अर्जी डाल दी गई। 4 दिन बाद फैसला इंदिरा के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद पर बने रहने की इजाजत दे दी। इंदिरा की ताकत खत्म नहीं हुई ये साबित करने के लिए संजय गांधी ने 20 जून 1975 को दिल्ली में एक बड़ी रैली की। इंदिरा ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। देश भर से पुलिस और प्रशासन की ज्यादतियों की खबर आने लगी। 25 जून 1975। 25 जून को रात 3 बजे तक इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद देश को संबोधित करने के लिए भाषण लिखती रहीं। 26 तारीख को सुबह इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. संजय गांधी की ताकत रातों रात कई गुना बढ़ गई। देश में संजय के 5 सूत्रीय कार्यक्रम को जोर शोर से लागू किया जाने लगा। संजय को खुश करने के लिए जबरदस्ती नसबंदी कराए जाने की खबरें आने लगी। पार्टी अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने नारा दिया, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। लेकिन इससे इंदिरा की छवि सुधरी नहीं बल्कि और खराब हो गई। संजय गांधी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी, जब इमरजेंसी लगी सारा वही कुछ तो कर रहा था, वही जो किसी को कैद करना, किसी को कोई रेड डालने या बदला लेना, सब कुछ वही कर रहा था। इसकी बड़ी वजह था इंदिरा का संजय पर आंख बंद कर भरोसा करना। संजय के एक इशारे पर बड़े से बड़ा सरकारी काम चुटकियों में हो जाता। संजय का दिल जीतने के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में बड़ी रैलियां किया करते थे। यहां संजय और उनके साथियों का एक बड़े वीआईपी की तरह स्वागत किया जाता। जो मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते उनकी कुर्सी चली जाती। इंदिरा ने कभी संजय के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया। इमरजेंसी लगने के 21 महीने बाद आखिर इंदिरा को अपने कदम वापस खींचने पड़े। चुनाव हुए, कांग्रेस की बुरी हार हुई, इंदिरा गांधी को जेल तक जाना पड़ा। सियासत में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। 11 महीने में ही विपक्ष की 2 सरकारें गिर गईं। फिर से हिंदुस्तान पर इंदिरा गांधी का राज हो गया। राज तो वापस मिल गया लेकिन उसका वारिस इंदिरा गांधी ने हमेशा के लिए खो दिया।
संजय और मेनका के बेटे वरुण के जन्म के 100 दिन बाद गांधी परिवार पर बिजली गिरी। 23 जून 1980 संजय गांधी फ्लाइंग के लिए उड़े तो फिर वापस नहीं लौटे, उनका प्लेन क्रैश हो गया। इंदिरा ने वो बेटा खो दिया जिसे वो अपना राजनीतिक वारिस मानती थी। एक लड़का रह गया था और उनको इनका काम बहुत चीज़ों के लिए काम पड़ता था और ये अजीब अजीब लोगों के साथ मिलना पड़ता था। इसके लिए मिसेस गांधी नहीं करना चाहती थी, तो मुझे होता है कि इसमें भी राजीव का कुछ उनको उनकी मदद चाहिए थी, पर असल में संजय इसको ज्यादा अच्छा करते थे। संजय की मौत से इंदिरा टूट गई, वो अकेले में रोती, उनके आंसू किसी ने नहीं देखे। पार्टी में संजय की जगह अगर कोई भर सकता था तो वो थे राजीव गांधी। सोनिया ने अपने पति राजीव को राजनीति से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन पारिवारिक मित्रों के दबाव के बाद राजीव मान गए, पायलट की नौकरी छोड़ दी। संजय की मौत के बाद मेनका को लगा कि सिर्फ वो ही इंदिरा की उत्तराधिकारी बन सकती है, लेकिन इंदिरा के मन में कुछ और था। वो अपने खून, अपने वंश के बारे में सोच रही थी। इंदिरा ने राजीव को अपना वारिस घोषित किया। मेनका के सपने टूट गए। सास बहू के झगड़े के बाद मेनका ने इंदिरा का घर छोड़ दिया। संजय गांधी की मौत के बाद जो जगह खाली हुई उसे पूरी तरह से भरने में लग गए राजीव गांधी। इंदिरा ने पहले उन्हें पार्टी के महासचिव पद तक पहुंचाया और फिर राजनीति की हर बारीकी सिखाने लगी, लेकिन इंदिरा को इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। एक सफदरजंग रोड पर सुबह 9:12 पर इंदिरा के दो गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनके शरीर में 30 से ज्यादा गोलियां उतार दी। एम्स अस्पताल पहुंचने से पहले इंदिरा दम तोड़ चुकी थी। नेहरू गांधी वंश के इंदिरा युग का अंत हो गया। कांग्रेस के सामने फिर से वही धर्म संकट, इंदिरा के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा। इंदिरा की कैबिनेट में से वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी पीएम पद के लिए सबसे बड़े दावेदार थे। इसके बाद नंबर था पीवी नरसिम्हा राव का। हालांकि गांधी परिवार के वफादारों के मन में कुछ और ही चल रहा था। पीसी अलेक्जेंडर, आर के धवन और बलराम जाखड़ ने राजीव को समझाया, इंदिरा की जगह उनके सिवा कोई और नहीं ले सकता। सोनिया रो रही थी। इंदिरा की मौत के बाद राजीव गांधी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर वे बुरी तरह से डरी हुई थीं। सोनिया ने रोते रोते राजीव से कहा कि वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इस गांधी की दर्दनाक हत्या हो गई तो उस वक्त जब राजीव गांधी को जो प्रधानमंत्री चुनने बनाने का फैसला किया गया वो भी इस हक में नहीं थी, लेकिन बाद में राजीव गांधी ने या कुछ और नेताओं ने जब उनको समझाया कि देश के हित के लिए जरूरी था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए वो मान गए। इंदिरा की हत्या के 9 घंटे बाद शाम 6:40 पर राजीव गांधी को देश के अगले प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी गई। नेहरू खानदान की तीसरी पीढ़ी प्रधानमंत्री के पद पर आ चुकी थी। राजीव गांधी ने कांटों का ताज पहन लिया। इंदिरा की मौत के बाद सिख दंगे भड़क उठे। राजीव पर आरोप लगा उन्होंने सिख दंगों को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव को एक और अग्नि परीक्षा देनी थी। इंदिरा की हत्या के 50 दिन बाद देश में लोकसभा चुनाव होना था। 12 नवंबर 1984 राजीव को पार्टी का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। इंदिरा की मौत के बाद सहानुभूति लहर ने कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें दिला दी। राजीव ने अब देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा। सब ठीक ही चल रहा था कि तभी बोफोर्स घोटाले का बम फूट गया।
16 अप्रैल 1987 को स्वीडन रेडियो ने आरोप लगाया कि राजीव सरकार के कुछ मंत्रियों और आर्मी के अधिकारियों को बोफोर्स तोप सौदे में 64 करोड़ रुपयों की रिश्वत दी गई। इस घोटाले की बड़ी कीमत राजीव गांधी को चुकानी पड़ी 1989 के चुनावों में। कांग्रेस बुरी तरह से हारी। जो सीनियर मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव वगैरह ने उनको सलाह दी थी कि देखिए आप पार्लियामेंट में बयान देने से बचिए, और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो बयान बाद में गलत साबित हुआ और उसकी वजह से राजीव गांधी की बहुत किरकिरी हुई। नियति जैसे अपना खेल खेल रही हो, कांग्रेस हारी तो वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार भी टिक नहीं पाई। 1991 में फिर से चुनाव होने वाले थे। चुनाव खत्म होने से पहले ही श्रीलंका के जंगलों में एक सुसाइड मिशन भारत आने की तैयारी कर रहा था। खुफिया विभाग ने राजीव को तमिलनाडु में सूरज ढलने के बाद रैली न करने की सलाह दी थी। वो LTTE की हिट लिस्ट में थे। 21 मई 1991 उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में रैली करने के बाद राजीव शाम के वक्त तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर पहुंचे। मैडम, राजीव जी की रैली में बम ब्लास्ट हो गया है। क्या राजीव जिंदा है? इंदिरा की मौत के 7 साल बाद उनके घर का दूसरा चिराग भी बुझ गया। नेहरू गांधी वंश की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। सोनिया पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी आ गई। 45 साल की सोनिया सहारा ढूंढती तो कहां, घर में 2 बच्चों के अलावा कोई भी तो नहीं बचा था। देश के सबसे बड़े सियासी परिवार की बहू चौराहे पर खड़ी थी। पार्टी ने तय किया कि राजीव की राजनैतिक विरासत सोनिया को ही जानी चाहिए। सोनिया को बताया गया कि पार्टी उन्हें अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है। सोनिया ने सियासत को ना कह दिया। मुझ पर और मेरे बच्चों पर जो मुसीबत आई है उसके बाद ये संभव नहीं कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल सकूं। राजनीति से रिटायरमेंट की कगार पर पहुंच चुके नरसिम्हा राव को पार्टी ने वापस बुलाया। उन्हें प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों ही पद सौंप दिए गए। सोनिया ने 10 जनपद के दरवाजे राजनीति के लिए बंद कर लिए। 24 अगस्त 1995 अमेठी में आखिरकार सोनिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा राजीव गांधी हत्याकांड की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं। किसी को समझ नहीं आया कि सोनिया के इस सवाल का क्या मतलब है। कहा गया कि सोनिया के निशाने पर नरसिम्हा राव थे। इस बीच 2 साल में 2-2 सरकारें गिर गईं। वाजपेयी सरकार 13 दिन में और HD देवेगौड़ा की सरकार सिर्फ 11 महीने चल पाई। 24 अकबर रोड, कांग्रेस मुख्यालय, दिल्ली। 28 दिसंबर 1997 को अचानक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर सोनिया गांधी पहुंची। अध्यक्ष सीताराम केसरी को इसकी खबर नहीं थी। पार्टी में ऐलान हुआ कि 1998 के चुनाव के लिए सोनिया प्रचार करेंगी। साफ था पार्टी के हर काम पर सोनिया का सीधा दखल। मैं राजनीति और सार्वजनिक जीवन में किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं आई। नेहरू गांधी वंश की बहू अब अपना मन बनाकर पार्टी में लौटी थीं। चुनाव प्रचार की शुरुआत सोनिया ने श्री पेरम्बदूर से की। संदेश दिया, नेहरू गांधी परिवार ही अब कांग्रेस का भविष्य है। 1998 में पार्टी चुनाव हार गई। सोनिया को बताया गया गुटबाजी ने कांग्रेस को हरवा दिया। सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। 14 मार्च 1998 को सोनिया कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सीताराम केसरी जब बने तो कांग्रेस की हालत ठीक नहीं थी, पर ये सोचा कि भाई अब अगर कोई कांग्रेस में जान डाल सकता है तो सोनिया गांधी डाल सकती हैं। तो उनसे फिर कहा सब लोगों ने कि आप आइए। उधर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। सोनिया ने अगले 5 साल पार्टी को मजबूत करने के लिए कई बदलाव किए। नेहरू की विरासत अब राहुल, प्रियंका और वरुण के हाथ में है।
नेहरू गांधी परिवार का एक वंश कांग्रेस में तो दूसरा बीजेपी से राजनीति की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। सोनिया कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता हैं, फिर ऐसा क्या हुआ था कि 10 साल पहले वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई? 2004 के चुनाव में वाजपेयी सरकार का इंडिया शाइनिंग काम नहीं आया। सोनिया ने यूपीए को बड़ी जीत दिलाई। रायबरेली से सोनिया और पहली बार अमेठी से राहुल संसद पहुंचे। 15 मई 2004 को सोनिया संसदीय दल की नेता चुनी गईं। सोनिया का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था। चुनाव प्रचार में विपक्ष ने सोनिया को विदेशी बताकर खूब हमले किए थे। प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। सुषमा स्वराज और उमा भारती ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस सोनिया की ताजपोशी में जुटी थी कि तभी सोनिया ने एक हैरान करने वाला फैसला किया। एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूँ। कहा जाता है सोनिया गांधी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद असमंजस में पड़ गई थी। इसमें कहा गया था विदेशी मूल की सोनिया के प्रधानमंत्री बनने से देश में गड़बड़ी फैलने का खतरा है। सोनिया नहीं चाहती थी कि उनके नाम पर सड़कों पर खून खराबा हो। उनके इस त्याग ने विरोधियों को भी चित कर दिया। 18 मई 2004 यूपीए को सरकार बनाने का न्योता मिला। सोनिया मनमोहन सिंह को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची। सरकार मनमोहन सिंह को सौंप दी और अपना ध्यान पार्टी पर लगाया। सोनिया पर मनमोहन सरकार को रिमोट से चलाने का आरोप लगा। कांग्रेस में जो जुगाड़ू जो नेता थे, जो अर्जुन सिंह, नटवर सिंह, फतेहदार, ऐसे बहुत से लोग, उनको फिर एक तरीके से झटका लगा क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। उनको तो लग रहा था वो प्रधानमंत्री बनेगी और ये राजनीति करेंगे। सरकार और पार्टी के बाद सोनिया ने राहुल को तराशना शुरू किया। राहुल युवा कांग्रेस के रास्ते संगठन में पहुंचे। प्रियंका राहुल से 2 साल छोटी हैं, लेकिन राजनीति में वो भाई से पहले आईं। प्रियंका के करिश्मे की तुलना इंदिरा गांधी से भी होती रही। वो अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार तक ही सीमित क्यों रहीं? इस सस्पेंस का जवाब कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। प्रियंका अपने भाई और माँ के लिए सिर्फ एक स्टार प्रचारक बनकर रह गईं। उन्हें सक्रिय राजनीति में लाने की वकालत करने वालों को पार्टी ने जोर जबरदस्ती चुप करा दिया। राहुल पार्टी में आगे बढ़ते रहे और प्रियंका जहां थी उसी प्रचारक के रोल पर रुकी रहीं। पिछले 10 साल में राहुल महासचिव से पार्टी के नंबर 2 उपाध्यक्ष के पद पर पहुंच गए। We will not look back. We will go into this battle knowing exactly who we are. अब 2014 में राहुल के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। मनमोहन सिंह से लेकर हर बड़ा नेता नेहरू गांधी वंश के इस चिराग को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए बेताब है। सोनिया ने अपने आप को पीछे कर लिया है। बीमारी की वजह से वो राजनीति से अपने हाथ खींच रही हैं। प्रियंका का पार्टी में रोल बढ़ा है। राजनीति में अब नेहरू गांधी वंश आमने सामने है। 1984 में पति संजय गांधी की सीट अमेठी से मेनका राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। अब मेनका आंवला संसदीय क्षेत्र से अपने पति की पार्टी को चुनौती देती हैं। पीलीभीत से वरुण चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी में रहकर अपने पिता की पार्टी पर हमले करते हैं। भाइयों के परिवार में अब बड़ी दीवार है। वरुण ने सोनिया को अपनी शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शादी के दिन वरुण इंतजार करते रहे। न सोनिया आई, न राहुल, न प्रियंका।
रिश्तों की डोर से बड़ी राजनीति में वो लक्ष्मण रेखा है जिसको न तो राजीव गांधी का परिवार पार करना चाहता है और न ही संजय गांधी का परिवार। 100 दिन से भी कम वक्त बचा है, नेहरू गांधी वंश के 4 लोग मैदान में हैं। मुकाबला आसान नहीं है, गांधी बनाम मोदी है। जीत किसकी होगी ये जनता ही तय करेगी। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा एक बड़े राजनीतिक वंश की कहानी बताने। नमस्कार।